हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले वीक में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने को रेडी है। तो सबसे पहले जो मेरे रडार पे है वो है SBI लाइफ का शेयर। तो हम उसके चार्ट पे आते हैं और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। तो गाइस, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं SBI लाइफ के चार्ट के ऊपर और जो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग मिली है वो 1295 पे मिली है। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि अब यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी रैली के लिए ये रेडी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं 1295 के आसपास। और लकली अगर हमें यहाँ मिलता है ना लगभग ये 1258 55 या 60 के आसपास, तो कुछ परसेंट क्वांटिटी हम लोग इसको यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। उस केस में हमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो यहाँ का रखना है, लगभग 1237 या 1235 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रखना है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पे शेयर करता हूं, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। और इसके अंदर जो अपसाइड के जो टारगेट होने वाले हैं वो होगा सीधा 1320 रुपए के आसपास का पहला टारगेट होगा। अगला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 1330-35 का। उसके बाद जो है ना इसके अंदर बहुत बड़ी रैली आ सकती है, तो मतलब ये लगभग 1400 भी जा सकता है। ठीक है, ये मेरी रिसर्च थी SBI लाइफ पे। अब हम बात करते हैं अगले शेयर के बारे में। जो अगला शेयर है वो है मेरा गुजरात गैस। तो हम लोग इसके चार्ट पे आते हैं और बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में। तो गाइस, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं गुजरात गैस के चार्ट के ऊपर और जो फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दिया है ना, इसकी क्लोजिंग मिली है 516 पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या लग रहा है, इसके अंदर ऊपर पूरा एकदम अच्छा खासा मुझे लग रहा है टारगेट इसके अंदर मिल सकता है। तो कुछ परसेंट क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, और लकली अगर हमें यहाँ मिलता है ना 500 के आसपास, तो कुछ परसेंट क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मतलब शिफ्ट कर सकते हैं लगभग 490 या फिर सेफर साइड पे जाएंगे तो 485 के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो अपसाइड की बात करते हैं ना, तो अपसाइड में मेरा पहला टारगेट होने वाला है, मतलब जो बहुत जल्दी अचीवेबल है, मतलब इसके अंदर टारगेट 528 से 530 का पहला टारगेट होगा। और अगला टारगेट मेरा ये होने वाला है लगभग 533 रुपए का। उसके बाद जो इसके अंदर टारगेट बनता है 549 से 550 के आसपास का। और उसके बाद ये वाला जो एक एरिया है अच्छा खासा, इसके लिए रेजिस्टेंस है जो इसको रोकने का काम कर सकता है, मतलब 570 से 575 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगभग 60 से 70 पॉइंट का इसे अपसाइड दिख रहा है गुजरात गैस के अंदर। तो इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। तो होप गाइस, इन दो शेयर के बारे में जो वीडियो मैंने डिस्कस किया है आपको जो समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पर शेयर करता हूं, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। वहां पे जाके आप हमारा परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। होप गाइस, आप उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे और जैसा प्यार मुझे आप यूट्यूब पे दे रहे हैं वैसा आप टेलीग्राम पे भी देंगे। होप गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।